ओके क्लास, तो मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर 8 में आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन. आज हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से आप चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्वीट डिश के अंदर चाय में चीनी यूज़ की जाती है, तो चीनी जो आप दुकान से ख़रीद कर लाते हैं वो चीनी किस तरह से शुगर मिल के अंदर, शुगर इंडस्ट्री के अंदर बनाई जाती है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो शुगर की प्रोडक्शन में जो है वो उनसे उनको कैरी किया जाता है, उसके बाद जाकर चीनी बनती है. जाहिर सी बात है, हर बच्चा ये सोचता है कि किस तरह से ये चीज़ आई होगी, किस तरह से वर्कर्स ने, इंजीनियर्स ने, लोगों ने मिलकर इस पर वर्क किया होगा, केमिस्ट ने, जिस पर ये जो शुगर आपके पास है वो आई होगी. वरना शुगर अक्सर सुना है कि शुगर केन से शुगर बनता है, तो शुगर केन तो ये रहा गन्ना जिसको हम कहते हैं. अब गन्ने से चीनी बनता है, देखो गन्ने और चीनी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब कैसे गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस तरह से शुगर केन को, एक ना इसको समझना पड़ेगा इसको डिटेल में, ठीक है. तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन. तो फर्स्ट है कि द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शुगर आर, मतलब रॉ मटेरियल किस चीज़ की नीड होती है चीनी को बनाने के लिए, गन्ने से चीनी बनाने के लिए. सबसे पहले हमारे पास हमें चाहिए होगा शुगर केन, मतलब ऐसे बताते गन्ना चाहिए होगा उसके लिए, सो मेन चीज़ है ये. उसके अलावा लाइम चाहिए होगा, लाइम से मुराद है कैल्शियम ऑक्साइड या चूना जिसको हम लोग कहते हैं, लाइम चाहिए होता है, एंड वाटर और पानी. ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं रॉ मटेरियल्स के अंदर, ठीक है. एक तो शुगर केन, लाइम, लाइम मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में पानी. अब देखो चूने का क्या काम है, मैं आपको बता दूंगा इसमें कि क्या काम आएगा लाइम का. द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन कंपोज ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब जब चीनी से, मतलब गन्ने से चीनी को बनाने के लिए आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः स्टेप्स उसको गुजारना पड़ता है. सबसे पहले हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी, फिर जूस एक्सट्रैक्शन, फिर क्लैरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, फाइनली क्रिस्टल सेपरेशन एंड ड्राइंग. ये टोटल 6 स्टेप्स हमारे पास है. एक एक करके हर स्टेप को समझने के, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर एक डायग्राम भी आएगी एट द एंड जो समझने में मदद देगी आपको, जो बुक में डायग्राम बनी है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. फिर एक जो है वीडियो भी एंड में मौजूद होगी उसमें, जिसमें हम एक एनिमेटेड वे पर भी देखेंगे कि किस तरह से जो है वो शुगर बनता है, ताकि हर किसी को क्लियर हो जाए ये टॉपिक कम्प्लीटली. लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा चुके, तो जाहिर सी बात है समझना पड़ेगा इसको. हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ शुगर केन, सबसे पहले चीज़ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, ठीक है. कटाई और डिलीवरी, शुगर केन की डिलीवरी कहाँ पर भाई, उसको डिलीवर करना शुगर केन को किस में, शुगर मिल में. तो सबसे पहले गन्ने की कटाई होती है और उसको काटने के बाद उसको डिलीवर करना होता है शुगर मिल में. तो शुगर केन इज़ हार्वेस्टेड एयर राउंड इन ऑल ओवर द सीन. गन्ने के बारे में, ये गन्ना पूरे, गन्ने का जो फसल है ना, कुछ फ्रूट्स आपने पढ़ा होगा कि कुछ फ्रूट्स जो है वो सर्दियों में, तो कुछ गर्मियों में, लेकिन गन्ना एक ऐसा फ्रूट है ना जो पूरे साल आपको मिलेगा, 12 महीने. इसके लिए कोई ख़ास फिक्स वेदर नहीं है. तो पूरे साल पूरे सिंध में अगर बात की जाए तो गन्ने की फसलें उगती हैं और शुगर केन पूरे साल हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है. जस्ट द स्टेम ऑफ शुगर केन इज कट, सो इट इज़ रीन्यूएबल सोर्स. अच्छा, आपको पता है कि शुगर केन जो है ना वो पूरा का पूरा नहीं उखाड़ा जाता, मतलब जड़ से उसको, सिर्फ उसका जो स्टेम है ना बीच से वो कट किया जाता है, सिर्फ उसका स्टेम कट करते हैं इस तरह से तिरछाना कलम की तरह से. तो क्या होता है कि वो बाकी जो है ना जड़, उसकी रूट वगैरह वो नीचे ही रहती है. तो क्या होता है, दोबारा से नेक्स्ट ईयर उसमें जो है वो शुगर केन उसमें ग्रो हो जाता है. इसलिए बार बार आपको बीज बोने की ज़रूरत नहीं है इसमें. एक बार आपने बीज बो दिया ना, मतलब एक बार अगर गन्ना अगर वो गया, उसमें बीज तो होते भी नहीं है, कलम से होता है ये. एक बार आपने कलम एक बार लगा दिया, तो उसके बाद बार बार आप उस कलम से जो है वो फ्रूट हासिल कर सकते हैं, शुगर केन हासिल कर सकते हैं, ठीक है. तो शुगर केन एक रीन्यूएबल सोर्स है, मतलब बार बार रीन्यू हो जाएगा ये, मतलब एक साल बाद दोबारा से आएंगे तो दोबारा से वो आपको मिल जाएगा. हार्वेस्टेड शुगर केन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री बाय व्हीकल्स. फिर जो गन्ना है, बहुत सारा जो शुगर केन आ जाएगा, उसको ट्रक्स वगैरह के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको शुगर मिल में ट्रांसफ़र कर देंगे. सबसे पहला काम तो यही होगा, हार्वेस्टिंग और डिलीवरी, मतलब कटाई करना गन्ने की और उसको डिलीवर करना, समझ गए, पहला स्टेप. सेकंड स्टेप, जूस एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर केन. गन्ने से उसका रस निकालना, गन्ने का रस निकलता हुआ तो आपने वैसे भी देखा होगा नॉर्मली जो दुकानों में, जो आपने देखा होगा कि वो जो शुगर केन का जो जूस दे रहे होते हैं, तो वो एक रोलर टाइप का लगा होता है जिसके अंदर वो शुगर केन को डालते हैं, वो फिर उसको पीसता है, प्रेस करके उसमें से जूस निकलता है, गन्ने का रस जिसको हम कहते हैं. वही काम इसमें होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर, ठीक है. शुगर केन इज चॉप्ड, यहाँ पर ये चॉप्ड है, चॉप्ड इन ऑर्डर टू एक्सपोज द टिश्यू एंड जूस इज एक्सट्रैक्टेड बाय प्रेसिंग. सबसे पहले तो शुगर केन को चॉप किया जाता है,
ताकि उसका टिश्यू एक्सपोज हो जाए। देखो टिश्यू उसके अंदर रही है वाइट वाला ना, और ऊपर जो है ना ग्रीन ग्रीन कलर की उसके ऊपर उसकी कवरिंग होती है। तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ता है कवरिंग को, तो पहले इसको चॉप किया जाता है, इसके ऊपर की लेयर हट जाती है ग्रीन कलर की जो होती है, यहाँ तक कि टिश्यू एक्सपोज हो जाता है, प्लांट टिश्यू जो है वो एक्सपोज हो जाता है। और उसके बाद फिर उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे, रोलर्स होते हैं मुख्तलिफ, रोलर्स के थ्रू उसको प्रेस किया जाता है, मल्टीपल रोलर्स होते हैं जिसमें वो प्रेस हो रहा होता है। द वेस्टेज ऑफ शुगर कैन इज यूज टू जनरेट, दिस इज जनरेट, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम फॉर एवोपरेटिंग पर्पस। अब देखो जब जब से राइट सी बात है कि जब उसका जो है वो हम क्या करेंगे, जूस निकाल लेंगे तो सिर्फ उसका भूसा बच जाता है ना, आपने देखा होगा कि उसके भूसा बच जाता है, उसको शुगर कैन वाला तो बराबर में फेंक देता है एक तरफ, उसका पूरा एकदम वेस्टेज का पूरा है ना एक पहाड़ बना होता है उसके दुकान में, तो वो वेस्टेज है ना शुगर इंडस्ट्री के अंदर उसको फ़ायदे में लिया जाता है। अब चूंकि वो कंबस्टेबल होता है, फ्लेमेबल होता है, वो जल सकता है, तो उसको जला कर उसको बर्न करके उससे बिजली पैदा की जाती है। शुगर कैन, शुगर कैन जो शुगर मिल्स होते हैं ना, वो बिजली खुद ही, अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं, वो गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, क्योंकि जो शुगर केन को जो रस निकालने के बाद जो सूखा बच जाता है उसको जलाते हैं वो वेस्टेज को, फिर उससे जो हीट पैदा होती है उससे टरबाइन को घुमाते हैं जिससे बिजली बनती है। तो एक तरह से बहुत मतलब फ़ायदा हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो, उसके कचरा के भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं उसके वेस्टेज को, और साथ में स्टीम फॉर एवोपरेटिंग पर्पस, जब उसको जलाते हैं तो स्टीम भी पैदा होती है, उस स्टीम से क्या करते हैं, एवोपरेशन का काम भी आपको पता है कि शुगर केन इंडस्ट्री में बहुत होता है, तो उससे एवोपरेशन कर रहे होते हैं, एवोपरेट कर रहे होते हैं शुगर केन के सिरप को या उसके जो जूस को, ताकि वो शुगर में कन्वर्ट हो। तो ये दूसरा स्टेप होता है जूस एक्सट्रैक्शन, जूस निकालने का अमल। तो शुगर केन से रोलर के जरिए जूस निकाला जाता है, गन्ने का रस निकल जाता है सारा। अब रस निकालने के बाद क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड जूस। क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है सफाई करना या साफ करना, एक्सट्रैक्टेड जूस जो जूस निकला है ना उसको साफ करते हैं। साफ करने से क्या मुराद है कि उस जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, चूंकि जाहिर सी बात है लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, लिविंग प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, टेस्ट ख़राब कर देते हैं किसी भी चीज़ का, अगर वो ज़्यादा देर तक एंजाइम अगर वो पड़ा रहे तो एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जो क्या करते हैं रिएक्शन करके कंपाउंड्स में चेंजिंग ला रहे होते हैं ना चीज़ों में, तो सबसे पहले उस एंजाइम को ख़त्म करना होता है। तो द जूस इज़ हीटेड टू किल एंजाइम्स, जूस को पहले हीट करते हैं, हीट करने से आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे एंजाइम एक्शन रुक जाती है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एंजाइम क्या होता है, काम करना छोड़ देता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं ऐसा। तो जूस को हीट किया जाता है जिससे एंजाइम मर जाते हैं, एंड लाइम इज एडेड, फिर चूना ऐड करते हैं। चूना क्यों ऐड करते हैं, टू मेक द जूस न्यूट्रल, चूंकि जो चूना है वो कैल्शियम, आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं बच्चों, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दिस इज अ बेस, ये एक बेस होता है, चूंकि OH आ गया ना इसके फॉर्मूले में तो ये बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दिस इज अ बेस, ये बेस है। और जो शुगर केन का सिरप होता है ना उसका जो pH होता है वो 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होता है। अब ये pH ऑफ शुगर केन जूस है, अब आपको पता है कि 7 से कम अगर pH होता है तो आपने पढ़ा है इससे पहले चैप्टर 2 में कि वो एसिडिक होता है। अब एसिडिक pH है, अब हम जाहिर सी बात है नमक तो चीनी तो एसिडिक नहीं होनी चाहिए, चीनी को न्यूट्रल होना चाहिए, तो क्या करते हैं एसिड में, आपको पता है एसिड में जब भी बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो वो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है। तो क्या करते हैं, यस बफर्स भी ऐड कर सकते हैं, बफर सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं, बट हम इंडस्ट्रीज में ऐसा काम करते हैं जो हमें सस्ता पड़े, तो चूना तो आपको पता है बहुत सस्ता मिलता है, बफर सॉल्यूशन उसके मुकाबले में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो ये सस्ते काम के लिए बस ये काम किया जाता है कि चूना ऐड करते हैं, जब चूने की एक बोरी पूरे टैंक के अंदर ही होता है ना ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शुगर बन रहा होता है, तो उसके बाद क्या करते हैं उसमें जब चूना ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो शुगर केन का जूस है गन्ने का रस जो है वो न्यूट्रल हो जाता है एसिडिक से। तो क्लैरिफिकेशन में ये काम किया जाता है, हीट करते हैं और लाइम ऐड करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, ये काम हो गया। आप तो शुगर केन जो है सारा क्लैरिफाइड जूस हमारे पास एक आ गया जिसके अंदर जो है वो न्यूट्रल है वो, और उसके अंदर एंजाइम भी सारे मर चुके हैं, बस समझ में आ गए, तो मसला यहाँ तक थर्ड स्टेप तक क्लियर है। थर्ड स्टेप अभी चीनी नहीं आई है सामने, अभी तक जूस को हमने साफ कर दिया, ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में होगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लेरिफाइड जूस, कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी इसके अंदर जूस की ना, उसको गाढ़ा किया जाएगा, इसके मतलब है जूस को गाढ़ा करने के लिए उसको हीट करेंगे। तो क्लेरिफाइड जूस कंटेन्स 10-5% सक्रोस, अब जो क्लेरिफाइड जूस जो आया है हमें क्लेरिफिकेशन के बाद इसमें 10-15% सक्रोस होता है, सक्रोस आपको पता है C12H22O11, इसी शुगर का फॉर्मूला जो होता है ना पॉलीसेक्राइड जो होता है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली शुगर, पढ़ा भी हमने उसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो 10-15% होता है, बाकी सारा वाटर होता है उसके अंदर, 10-15% मतलब सक्रोस है, तो 85-90% आपके पास वाटर है।
अब वाटर को एवोपरेट करना है ना, क्योंकि जूस में ज़्यादातर तो पानी दिखता है उसके अंदर गन्ने के जूस में, तो इट इज़ फर्दर हीटेड टू गेट अ कंसनट्रेटेड सीरम। इसको फर्दर और हीट किया जाता है एवोपरेटर्स के थ्रू, जिससे क्या होता है विच से हमें एक एवोपरेटेड सीरप हासिल होता है विच कंटेन्स 55 to 59% सक्रोज, जिसमें एक बहुत हद तक पानी रिमूव हो जाता है, 50% से ज़्यादा पानी रिमूव हो जाता है और 55 to 59% तक सक्रोज आपके पास बच जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है ये, लेकिन फिर भी इसके अंदर वाटर अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब वो वाटर भी, चूँकि बिल्कुल आपको पता है चीनी बिल्कुल सूखी भी होती है, उसके अंदर पानी ज़रा भी नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पहले कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसनट्रेटेड जूस। अब वो जो कंसनट्रेटेड जूस है जिसमें 55 to 59% सक्रोज है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है, वहाँ पर क्रिस्टल की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो कंसनट्रेटेड सिरप इज फर्दर एवोपोरेटेड टू सुपर सैचुरेशन। अब उसको हम इतना ज़्यादा एवोपोरेट कर देते हैं कि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, जिसमें हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कि सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व होती है, सुपर सैचुरेशन तक ले जाते हैं। सीड क्रिस्टल्स आर एडेड, यहाँ पे आर होगा, सीड क्रिस्टल्स आर एडेड विच ईल्ड क्रिस्टलाइन शुगर। मतलब पहले तो क्या करते हैं, फर्दर इतना एवोपोरेट करते हैं कि सारा पानी उसके अंदर से रिमूव हो जाता है, यहाँ तक कि वो क्रिस्टल बनने की फॉर्मेशन में होता है, फिर सीड क्रिस्टल ऐड करते हैं। अब सीड क्रिस्टल किसे कहते हैं, देखो आगे क्लासेस में, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि जब क्रिस्टल को ग्रो करना पड़ता है ना क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, तो एक क्रिस्टल हम जैसे उसके ऊपर से डाल देना, जैसे कि क्यूब टाइप का क्रिस्टल डाल देते हैं ऊपर, अब जब एक क्रिस्टल क्यूब टाइप का कुछ क्रिस्टल हम डाल देंगे तो बाकी आसपास के सारे क्रिस्टल क्यूब की तरह ही ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। क्रिस्टल के अंदर ग्रोथ का एक प्रोसेस होता है, सीड क्रिस्टल्स मतलब जैसे है ना, जैसे क्रिस्टल लाइक क्रिस्टल बनने वाला है कोई सीरप ना, हम उसके ऊपर थोड़ा सा चीनी ऊपर से छिड़क देंगे जो पहले से क्रिस्टल बना होगा, तो वो क्या होगा उसी की तरह के बाकी क्रिस्टल्स उस शेप के आने शुरू हो जाएंगे। तो वो सीड क्रिस्टल्स को डाला जाता है ताकि सारे क्रिस्टल एक यूनिफॉर्म शेप में है, जैसे चीनी में आप देखते हैं कि सारे क्रिस्टल एक शेप के होते हैं, वो सीड क्रिस्टल्स की वजह से आते हैं। तो अब अच्छा खासा क्या होता है उसमें क्रिस्टलाइज तो हो जाता है, अच्छा खासा क्रिस्टल के शेप में आ जाता है, कुछ ऐसे भी हो जो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते, तो नॉन क्रिस्टलाइन केन शुगर केन सिरप इज कॉल्ड मोलासिस। मोलासिस देख लो, मोलासिस किसे कहते हैं, अब कुछ शुगर जो है ना उसके अंदर, कुछ सिरप जो है ना वो क्रिस्टलाइन नहीं हो पाता है, वो क्रिस्टलाइज हो ही नहीं पाता, वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाता है, उसको मोलासिस कहा जाता है, विच इज सेंट टू अ डिस्टिलरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जिसको एक डिस्टिलरी में भेज दिया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए या डिस्टिलेशन करने के लिए, ताकि उससे इथेनॉल बन जाए। इथेनॉल वैसे आपको पता है फॉर्मूला इसका C2H5OH, इसी को शराब कहा जाता है, इसी को शराब भी कहते हैं, इथेनॉल को बताया था मैंने। तो चीनी से भी शराब बनाई जाती है, उसमें क्या होता है कि जो मोलासिस होता है ना, मोलासिस नॉन क्रिस्टलाइन शुगर केन सिरप जो क्रिस्टल नहीं बन पाया, उसको क्या करते हैं डिस्टिलरी में, मतलब डिस्टिलेशन के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर उसके डिस्टिलेशन के थ्रू क्या होता है हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, अलग प्रोसेस है। क्लास सेकेंडरी में आप जाएंगे ना, क्लास 12 में, तो 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से शुगर केन के मोलासिस से हम क्या करते हैं, ये जो है वो इथेनॉल की प्रोडक्शन करते हैं। मैट्रिक क्लास में नहीं पढ़ते उसको, बस एक पॉइंट है बुक में तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो क्या किया जाता है कि क्रिस्टल ग्रो होना शुरू होता है, क्रिस्टल जब ग्रो होते हैं ना, अब वो उनमें कुछ छोटे क्रिस्टल होते हैं कुछ बड़े, शेप तो सबका सेम होता है लेकिन क्रिस्टल कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं, तो वो क्रिस्टल सेपरेशन और ड्राइंग की जाती है, क्रिस्टल सेपरेट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वाटर उसके अंदर अभी भी मौजूद होता है। तो क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब 100% वाटर को रिमूव करने के लिए हम अलग मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, वो जोर से घूम रहा होता है ना, मूव कर रहा होता है वो, जब वो तेज जोर से घूमता है ना, तो क्या होता है जोर से घूमने पर जितना भी वाटर उसके अंदर होता है वो पूरा का पूरा उसमें से निकल जाता है, यहाँ तक कि वो 100% वाटर फ्री हो जाता है। These machines continuously break the crystals so that fine crystals of brown sugar can be obtained. और यही centrifuge machine क्या होती है कि strainers के उसको गुजारा जाता है, मतलब यही मशीन क्या कहते हैं, continuously crystal को break भी कर रही होती है कि दो crystal साथ में चिपक ना जाए, जब वो तेज़ी से घूम रही होती है तो पानी भी उसके अंदर से छीटे निकल लेते हैं पानी के, और मूव करने की वजह से crystal आपस में चिपक भी नहीं रहे होते, टूट के अलग 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 crystal हो रहे होते हैं। तो अभी crystal जो बनेगा वो brown sugar का बनेगा, पहले brown color के होता है ये, गुड़ जिसको आप लोग कहते हैं गुड़, अब ब्राउन, लेकिन हमारे पास तो नहीं आता ब्राउन शुगर, हमारे पास तो वाइट शुगर आता है। तो एनिमल चारकोल इज यूज टू रिमूव द कलर ऑफ शुगर क्रिस्टल। अब हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था एनिमल चारकोल, चारकोल वैसे नॉर्मली कार्बन का जो है आपको पता है कि अमॉर्फस एलोट्रोप है। चारकोल दो तरह के चारकोल होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है वुड चारकोल, एक हमारे पास कहलाता है एनिमल चारकोल, ठीक है। एक तो वुड चारकोल होता है, एक एनिमल चारकोल होता है। तो जो वुड चारकोल होता है वो तो जिसको हम लोग कहते हैं लाइक कोयला, और एक एनिमल चारकोल होता है जो कि जानवरों की हड्डी को जलाने से बनता है। एनिमल चारकोल
को ऐड किया जाए तो एनिमल चारकोल एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, वो ब्लीच कर देता है। ब्लीच से मुराद ये कि वो जो कलर है ना ब्राउन शुगर को रिमूव कर देता है, यहाँ तक कि हमें क्या मिलता है, ग्रैन्यूलेटेड शुगर मिलता है। ग्रैन्यूलेटेड शुगर जिसको आप लोग व्हाइट शुगर भी कहते हैं, जो चीनी आप घर पे चाय में डालते हैं उसको केमिस्ट्री में ग्रैन्यूलेटेड शुगर कहा जाता है। तो व्हाइट शुगर जो होती है वो कैसे मिलता है, वो पहले ब्राउन शुगर ही बनता है, सुना होगा आपने, पहले गुड़ बनता है उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें भी, व्हाइट शुगर के अंदर। अ स्ट्रेनर इज यूज टू स्प्रेड द क्रिस्टल्स हैविंग सेम साइज। स्ट्रेनर कैसे कहते हैं, स्ट्रेनर का मतलब होता है छन्नी या छलनी जिसको हम लोग कहते हैं, एक छलनी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चाय छन्नी में अगर आपने देखा होगा टी स्ट्रेनर जो होता है ना, टी स्ट्रेनर होता है चाय पत्ती को रिमूव करने के लिए, वैसे उसमें क्या होता है जाली टाइप का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर से क्या करते हैं क्रिस्टल्स को डालते हैं। अब वो जाली से जब क्रिस्टल डालते हैं तो क्या होता है, सिर्फ यूनिफॉर्म शेप के फिक्स शेप के जो क्रिस्टल होते हैं ना बस वो छलनी से पास हो जाते हैं, बाकी जो बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो छलनी के ऊपर बच जाते हैं। इसलिए आपके घर पर जब चीनी पैक होकर आती है ना तो उसके अंदर सारे एक साइज के क्रिस्टल्स होते हैं इस लास्ट प्रोसेस स्ट्रेनर की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें तो जो हमारे पास प्रोसेस फॉलो हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पर एट द एंड क्रिस्टल सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल लें जिससे 100% वाटर रिमूव हो जा रहा है, सारे क्रिस्टल जुड़ भी नहीं रहे अलग अलग रह रहे हैं। एनिमल चारकोल ऐड कर रहे थे कि ब्राउन शुगर को वाइट शुगर में या ग्रैनुलेटेड शुगर में कन्वर्ट कर दें, और फाइनली एक स्ट्रेनर की मदद से लास्ट टाइम छलनी करके हम क्या कर रहे हैं, सारे यूनिफॉर्म शेप के हमारे पास क्रिस्टल्स आ जा रहे हैं। फिर इसको पैकेट में बंद करके या फिर ऐसे ही बोरी में डालकर कट्टे वगैरह में पैक करके मार्केट में गोदाम में भेज देते हैं और फाइनली इस तरह से शुगर इंडस्ट्री शुगर मिल में काम कंप्लीट हो जाता है। तो इतना सारा काम किया जाता है एक शुगर को प्रोडक्शन करने के लिए गन्ने से स्टार्ट करके, ठीक है। अब अगर आप इसी को यहाँ पर देखें, बुक में जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर यही चीज़ आपको दिखाई गई है। डायग्राम को पेपर में बनानी नहीं है क्योंकि दैट इज़ अ वेरी बिग डायग्राम, ये काफ़ी बड़ी डायग्राम है, उसको आप पेपर में तो ऐसी बातें बनाएंगे नहीं। उसको देख लें यहाँ पर क्या चीज़ है कि शुगर केन कहा जा रहा है कि शुगर केन हम 10 टन्स यहाँ पर अगर हम एनुअली हम इसको यूज़ करते हैं, फिर शुगर केन को हम वेट करते हैं, वेट करने के बाद उसकी सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग करने के बाद उसको स्टोरेज में डाल लेते हैं शुगर केन को, देन उसको क्रश किया जाता है, श्रेड किया जाता है, तोड़ते हैं उसको, ठीक है, मतलब भाई जो मैंने छिलके वगैरह उतारते हैं उसको छोटे छोटे पीस करते हैं, देन उसके बाद मिलिंग प्रेसिंग जिसको हम कह रहे हैं प्रेस करते हैं उसको ना रोलर से घुमाते हैं, जैसे गन्ने वाले की दुकान में भी ऐसा लगा होता है रोलर से घुमाते हैं तो क्या होता है वो पिस जाता है, और पिसने के बाद अच्छा उसमें से जो उसका वेस्टेज है वो वेस्टेज यहाँ पर पावर स्टेशन में चला जाता है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, बताते ना बिजली बनाते उसके वेस्टेज से, या फिर एवोपोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको एवोपोरेटर के तौर पर, ठीक है। बाकी ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट हो रही है वो बॉक्स में ही बता रहे और कुछ नहीं। अच्छा प्रेसिंग करने के बाद फिर उसको क्लेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जहाँ पर से आपको पता है लाइम ऐड करते हैं, लाइम ऐड करते हैं कि न्यूट्रल हो जाए वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बाकी थोड़ा हीट भी उसके अंदर करते हैं एंजाइम्स को हीट अप करने के लिए एवोपोरेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर फाइनली वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जाते हैं, आगे जाकर हीट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए। अब वो क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें रॉ शुगर ऑब्टेन हो जाता है या फिर इसी के अंदर से हमें पता मोलासेस भी निकलते हैं जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, मोलासेस को फिर फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन के लिए भेज देते हैं जहाँ इसकी फर्मेंटेशन की जाती है इसे इथेनॉल तैयार हो जाता है, इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग कहते हैं शराब जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे शुगर निकल जाता है और यहाँ से इथाइल अल्कोहल के लिए अलग प्रोसेस चला देता है। तो ये बुक में ऐसा आपने देखा होगा ऐसा बना हुआ इस पेज के अंदर, आपको बनाना नहीं है पेपर में, जो चीज़ मैंने पीछे बताई थी ना उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, बस समझ आ रही यहाँ पर। तो बुक में आप जाएंगे एक बार दोबारा देख लेना उसको, पेपर में ये थोड़ी ना आप ट्रक वर्क बनाओगे बैठ के इतना टाइम, तो ये काफ़ी बड़ी डायग्राम है बुक में बनी हुई है, आपने देखा ये डायग्राम है सेम ऐसे ही ना एक्जैक्टली, असल में गूगल से उठा लेते हैं ना ये, तो मैंने गूगल से मैं भी निकाल लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके हमारे बुक में मतलब, और एक कंपनी कोई है सेकंड हैंड के नाम से कोई ना जर्मन कंपनी है जो कि रिफ वो पैदा करती है जर्मनी के अंदर ना ऑयल एक वो है ऑयल सॉरी शुगर प्रोडक्शन कंपनी है सेकंड हैंड के नाम से, तो वो सेकंड हैंड लिखा हुआ तो उन्होंने ये भी नहीं हटाया उसको, आप देखिए आपके पास भी सेकंड हैंड लिखा होगा कॉपीराइट आ जाएगा इनके पास, ठीक है लिखा मैंने, तो ये कंपनी का नाम है सकडैन जो उसको बनाती है, ठीक है ये तो हटा देते हैं एटलीस्ट के, मतलब ये उन्हीं की वेबसाइट में ये डला हुआ था ये, तो उससे उन्होंने कॉपी कर लिया, तो कॉपीराइट आ जाएगा तो पकड़ के ले जाएंगे सबको कि भाई क्योंकि इमेजेस ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते गूगल से उठा के, आप बना होता है किताबों के लिए खासतौर पर, लेकिन हमारे सिंध बोर्ड ने ऐसा सब में किया हुआ है, पाकिस्तान में मसला नहीं है सब चीज़ों के, ठीक है पाकिस्तान में इलीगल काम आप सारे कर सकते हैं टेंशन नहीं है। अच्छा आप देखो अब एक वो आएगी एक वीडियो आएगी उसके अंदर बताया जाएगा उसको समझते हैं इसमें, तो सारी चीज़ें एक करके दिखेंगे वो खत मोहतरमा कुछ बोलेंगे इसमें दोबारा शायद सुनने की कोशिश करेंगे हम। शुगर शुगर में बता रहे कि किस किस तरह से इस्तेमाल होता है फ्लेवर में मतलब ये सब काम के लिए,
शुगर केन से शुरू होता है। ये बता रहा था जो मैं, दोबारा सूख जाते हैं फिर ये बार बार। कट कर दिया उसको, फिर रोलर को से जूस निकल रहा है इसका, तो जूस अलग कर लिया और वो अलग कर लिया बिजली बनाने के लिए। अब ऑपरेशन हो रही है, जैसे वाटर रिमूव हो रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब जो ऊपर से सीड क्रिस्टल डालेंगे इसमें, तो ये सीड क्रिस्टल डालें ऊपर से, अब देखो बाकी क्रिस्टल ग्रो होने शुरू होंगे इसके अंदर। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, देखो उसको मूव करवा रहे हैं, ये घूमते ऐसे जोर से ना। डीकलराइज किया, वाइट हो गया ये। स्ट्रेनर से गुजारे, देखो स्ट्रेन बताए छलनी से, देखो अब से एक साइज वाले सारे गुजरेंगे, बाकी जो नहीं होंगे वो बच जाएंगे ऊपर। ये चीनी आ गई आपके पास, तो डिफरेंट टाइप से क्रिस्टल शुगर कह रहे बन सकते हैं, ब्राउन शुगर भी होता है हमारे पास। ये नाम है टर्बिनेडो के नाम से, ये ब्राउन शुगर है, गुड़ जिसको कहते हैं, और वो ग्रैनुलेटेड शुगर कहेंगे उसको। ये टेस्ट कह रहे हैं, पाकिस्तान में तो नहीं होगा, बताऊंगा